माहे रमजानुल मुबारक के 18वें दिन का सवाब। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माहे रमजानुल मुबारक जब 18वां दिन होगा तो अल्लाह ताला जिब्राइल, मीकाईल, इज़राफ़ील और अर्श के हामीन वकुर्रबईन को अम्र फरमाएगा कि आइंदा साल तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार करें और क़यामत के दिन जंगे बद्र में शामिल अफराद का सवाब इनायत फरमाएगा। यानी आज का दिन कितना बाबरकत दिन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिब्राइल, मिकाईल, इसराफिल और अर्श के हामीन और कुर्बाइन को अम्र फरमाएगा कि आइंदा साल तक हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार करो और क़यामत के दिन जंगे बद्र में शामिल अफराद का सवाब इनायत फरमाएगा। माह रमज़ानुल मुबारक के 18वें दिन की दुआ। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم نبحني فيه لبركاتك أسهار والنور فيه قلبي بزياء أنوار وخذ بكل أزاء إلى التباي أسار بنورك يا منور قلوب العارفين وصلى الله على محمد وآل محمد। अल्लाह आज के दिन मुझे सहर की बरकतों के लिए बेदार रखना और मेरे दिल को इसके अनवार से मुनव्वर कर देना और मेरे तमाम आज़ा को इस माह के अहकाम पर अमल करने के तरफ लगा देना अपने नूर के ज़रिए ऐ आरिफों के दिलों को मुनव्वर करने वाले। आज हम जो परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, बड़ी मुजर्रब दुआएं हैं कि परवरदिगारा मुझे सहर की बरकतों के लिए बेदार रखना। जो बरकतें खुदावंद आलम सहर के वक्त नाजिल करता है, मसलन अस्तग़फ़ार को कबूल करना, तौबा को कबूल करना, रहमतों को नाजिल करना, बरकतों को नाजिल करना, अगर हम चाहते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला हमें सहर की बरकतों के लिए बेदार रखना, हम खुदा से दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगारा आज के दिन हमें सहर की बरकतों के लिए बेदार रखना और मेरे दिल को इसके अनवार से मुनव्वर कर देना, मेरे तमाम आज़ा को इस माह के अहकाम पर अमल करने की तरफ लगा दे। ये बड़ी अहम दुआ है कि अपने आज़ा, यानी अगर सिर्फ हमारी पेशानी सजदे के जानिब जा रही है या आमाल के जानिब जा रही है तो हमें अपने पूरे आज़ा को माह रमज़ानुल मुबारक के तमाम अहकाम के जानिब घुमा देना है। यानी अक्सर मैंने बेशतर इब्तदाई दर्स में बयान किया है कि अल्लाह ताला की बारगाह में सिर्फ भूख और प्यास का नाम रोज़ा नहीं है बल्कि अपने आज़ा और जवारे से उसकी हिफाजत करना, उसके रोज़ों को महफूज रखना, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि गोया हमसे कोई गुनाह ऐसा ना होने पाए जिसकी वजह से हमारा रोज़ा रोज़ा ना रह करके सिर्फ़ एक फाके की शक्ल अख्तियार कर ले। अगर हमने आँखों से गुनाह किया तो यकीनन हमारी आँखों का रोज़ा रोज़ा ना होकर के सिर्फ फाके की शक्ल में हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखें तो अज़ान फ़ज्र से नमाज मगरिब तक सिर्फ अपने आप को भूख और प्यास की शिद्दत में ना रखें बल्कि अपने आज़ा और जवारे को तमाम गुनाहों से बचा के रखें और उस अहकाम के जानिब अमल करें कि जिसे अल्लाह ने माह रमज़ान मुबारक में हमें अंजाम देने के लिए हुक्म दिया है। मसलन तिलावत कुरान करना, मुस्तहबात को अंजाम देना, गरीबों की मदद करना, मिसकुनों की मदद करना, यतीमों पर रहम करना, हमसायों का ख्याल रखना, अहल अयाल का ख्याल रखना, छोटों से मोहब्बत करना, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों की इज्जत करना और यकीनन अगर हम इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए रोज़ा रखेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा रोज़ा खुदावंद आलम की बारगाह में कबूल हो जाएगा। और हम दुआ करेंगे, दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम यकीनन आज के दिन हम सब के तमाम आमाल को तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हम सब के तमाम आज़ा को इस माह के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता कर दे। अगर अब तक हम गाफिल थे तो खुदाया हम सब को गफलत से बेदारी अता कर दे ताकि हम सब गफलत से बेदार होकर के तेरे अहकाम पर अमल कर सकें इंशाल्लाह।